नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मानते ट्रैवल गाइड पर। दोस्तों, समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है और हमने वो खूबसूरत दुनिया स्कूबा डाइविंग के जरिए देखी है। आप ऊपर आई बटन में हमारी स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस वाली वीडियो देख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वीडियो लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत की वो जगहें दिखाऊंगा जहां पर आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। नंबर 5, गोवा। गोवा में आप उमागुमा रीफ, शेल्टर को, लॉकर ऑफ डेवी जोन्स और जेटी जैसी जगहों पर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। यहां पर समुद्र के अंदर विजिबिलिटी 11 मीटर तक है। अक्टूबर से मई तक का यहाँ पर स्कूबा के लिए बेस्ट टाइम है। आपको यहाँ पर पफर फिश, बटरफ्लाई फिश, हनीकॉम मोरे और सर्जेंट मेजर जैसे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपसे 5 से 8 हज़ार रुपये तक चार्ज किया जाएगा। नंबर 4, पौंडीचेरी। यहाँ पर कूल शार्क रीफ, टेंपल रीफ, द होल और फोर कॉर्नर जैसी जगहों पर आपको स्कूबा डाइविंग करने को मिल जाएगी। यहाँ पानी के अंदर विजिबिलिटी 20 मीटर तक है। जनवरी से जून तक का स्कूबा के लिए यहाँ का बेस्ट टाइम है। यहाँ पर आपको व्हेल शार्क, किंगफिश, पैरेट फिश और मोरेल इल आदि समुद्री जीव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्कूबा डाइविंग का चार्ज 6500 से 8 हज़ार रुपये है। नंबर 3, मुर्देश्वर। यहाँ पर नेत्रानी आइलैंड में आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। यहाँ पानी के अंदर विजिबिलिटी 20 मीटर तक है। स्कूबा के लिए यहाँ पर बेस्ट टाइम अक्टूबर से मई तक का है। यहाँ पर आप व्हेल, टर्टल, मोरे, स्टिंगरेज और स्टोनफिश आदि समुद्री जीव देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 5500 से 7 हज़ार तक खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 2, हेवलॉक आइलैंड, अंडमान। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्कूबा डाइविंग कर चुका हूँ। आप यहाँ पर द वॉल, सिंक आइलैंड और फिश रॉक जैसी जगहों पर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। यहाँ के समुद्र बहुत क्लियर होने के कारण पानी के अंदर की विजिबिलिटी 45 मीटर तक है। यहाँ पर स्कूबा के लिए बेस्ट टाइम नवंबर से अप्रैल तक का है। आप यहाँ पर टर्टल, स्कॉर्पियन फिश, ऑक्टोपस, एंगलर फिश और कोरल रीफ जैसे समुद्री जीव देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 5500 से 10 हज़ार रुपये तक चार्ज किया जाता है। नंबर 1, लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पर अगाटी और बंगाराम आइलैंड पर आप स्कूबा के मज़े ले सकते हैं। यहाँ पर भी समुद्र बहुत क्लियर होने के कारण 45 मीटर तक विजिबिलिटी है। यहाँ पर स्कूबा के लिए बेस्ट टाइम मई से दिसंबर तक का है। आप यहाँ पर शार्क, बुलरेज, टर्टल, रेड स्नैपर और ब्लैक स्नैपर जैसे जलीय जीव देख सकते हैं। यहाँ पर इसका चार्ज 4000 से 7 हज़ार रुपये है। तो हाँ दोस्तों, कब जा रहे हैं आप ये खूबसूरत दुनिया देखने और आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मानते ट्रैवल गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।